वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोग लेकर आ चुके हैं अपने 500 सब्सक्राइब की खुशी में माइनक्राफ्ट की बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेडर। बिल्कुल एकदम फुल्ली वर्किंग है, नो प्रॉब्लम है। बस लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना। 500 सब्सक्राइब की खुशी में आप लोग मुझे एक लाइक तो ज़रूर दे देना, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड वर्क ना करे तो कमेंट में ज़रूर बता देना, फुल्ली सोल्यूशन मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एंड आ चुके हैं हम अपनी पहली शेडर में। आप लोग देख सकते हैं कितनी फुल्ली 3D लुक आपको देखने वाला है। हर एक ब्लॉक नेदर का हो, कोई भी ब्लॉक आपको सब में 3D टेक्सचर पैक मिलने वाला है। क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट सब में, यहाँ तक कि सैंड में भी आपको। बस ये लो एंड डिवाइस के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको मोबाइल कम से कम 4 RAM का होगा तो फुल्ली वर्किंग करने वाली है शेडर। और सारी शेडर का लिंक कमेंट में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ग्रास की भी आप शेडर देख सकते हैं कितनी 3D लुक। यहाँ पे नीचे भी 3D लुक ही है। काफ़ी लोग को भाई खेती की काफ़ी एकदम मस्त टेक्सचर पैक चाहिए होते हैं, तो वो भी यहाँ पर पूरे के पूरे आपको टेक्सचर पैक देखने को मिलने वाले हैं। और जिन जिनको भाई ए वाले स्टोन से घर बनाना पसंद नहीं था, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुक है। और आप लोग अब बनाने वाले हैं उससे घर, जिसके पास है 4 RAM वाला, तो हो जाइए शुरू। और फिर से बोल रहा हूँ, जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना, बस लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड आ चुकी है अपनी सेकेंड वाली, पर ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पर इसका आसमान एंड आप नीचे की ग्रास मरास काफ़ी लाइट कलर है, हर एक आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक कि वाटर भी उतना बेकार नहीं है, पहले से वाटर लेकिन आपको अच्छे मिलने वाला है। बस ये लो एंड डिवाइस के लिए मैंने आया, क्योंकि उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, उनके पास भी कोई शेडर होनी चाहिए। एंड दूर से आप देख सकते हैं कितना लाइट दिख रहा है। एंड इसमें कोई बदलाव नहीं है, कई टेक्सचर पैक होते हैं जिसमें भाई बदल जाते हैं तो काफ़ी अच्छे नहीं लगते ये सब, में ऐसा होता है कि बेकार देखने को मिलता है। एंड आ चुके हैं हम अपनी लास्ट शेडर ऑफ द बेस्ट शेडर माइनक्राफ्ट की। एंड आप देख सकते हैं पेड़ की लुक और किसी भी लुक में आप हर एक चीज़ आपको रियलिस्टिक शेडर आपको देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपको बोर्ड, स्टोन, जो भी देखो भाई सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। एंड आपको देख सकते हैं जिसे MLG करते हैं वो भी कितना बेस्ट दिख रहा है हमें। एंड अब लामा भी देखते हैं कितना बेस्ट लुकिंग है। एंड गेट भी देखिए, यहाँ पर सिंपल गेट है फिर भी कितना रियलिस्टिक लग रहा है। एंड इस शेडर की बस एक ही बेकार चीज़ है कि हम इसे फ्री में नहीं ले सकते, इसे हमें 500 रुपीज़ देकर माइनक्राफ्ट में जाकर इसे बाय करना होगा। एंड आप एमेथिस्ट चार्ज देख सकते हैं कितने बेस्ट हैं। और जो जो सोच रहा है भाई इसे बाय करने के लिए तो उसे कर सकता है, आप देख सकते हैं। और आपको एक्सप्रेशन अगर फुल चाहिए हुए लास्ट वाली वीडियो का तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं इसका फुल एक्सप्रेशन आपको देखने को ज़रूर दूंगा। एंड आप देख सकते हैं बॉर्डर भी कितना रियलिस्टिक, सबसे बढ़िया इसकी सीग्रास कितनी OP देखने को मिल रही है आपको। और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको क्या क्या बढ़िया है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हैं ब्लेजर कितना बढ़िया है, इसकी पूरा फुल्ली रियलिस्टिक ब्लेजर है। नोज मोज जो भी देखना है सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। और इसके मारने पर भी रियलिस्टिक वाली चीज़ें यहाँ पे उड़ी देखने को मिली हैं आपको। एंड नेदर भी यहाँ पे काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिलेगा आपको। और जिसे बाय करना है वो कर ले। एंड 500 सब्सक्राइब के लिए थैंक्स। एंड आपको बता देते हैं क्यों आपके मोबाइल में शेडर वर्क क्यों नहीं करती, क्योंकि आपका रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट नहीं होता है। और काफ़ी शेडर हैं जो PC में ही वर्क करती हैं, पॉकेट एडिशन में नहीं करती वर्क। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।